आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर दिए और यहाँ के पशुओं के तसले रख दिए हैं। बाहर पशुओं को दाना दे दिया है और यहाँ दोपहर का दाना बन रहा है बाहर वाले चूल्हे पे। और आज घर की रूटीन नहीं, आज खेतों की रूटीनें दिखाएंगे जब हम खेतों में जाएंगे घास काटने के लिए। ठीक है, तो अभी गिल्ला है बहुत ज़्यादा क्योंकि तेल पड़ी रहती है सुबह सुबह, और कभी बारिश लग जाती है और कभी तेल पड़ जाती है। तेल बोलते हैं हम इसको जो ये पड़ती है, बिल्कुल गिल्ला गिल्ला है ना। और गेट के फूल की कटिंग भी करने को आ गई है। ठीक है, और लौकी के बेल में ना लौकी नहीं लग रही है, पता नहीं क्या बंगा है इसका भी। तो चलो शुरुआत मैंने कर दी। और यहाँ पर मक्की रखी हुई है, उसमें कूड़ वगैरह पड़े हुए थे ना, तो उसको रखा हुआ मैंने, उसको साफ़ किया और यहीं पर रख दिया है उसको ढक कर। और फिर शाम को ना बारिश हुई थी तो ये भी गिल्ला हो गया। और देखो हमारा सेंटी ना, इसकी टांग ही टूट गई, पता नहीं गाड़ी वाले ने टक्कर लगाई कि क्या किया इसके पास ना, ये नीचे गया हुआ था मार्केट की तरफ। ठीक है, तो आज आपको खेतों की सैर करवाएंगे। और इस तरह से हो गई है हमारी मक्की, बड़ी बड़ी हो गई है। मतलब इसमें इसको गुग्गा बोलते हैं जो ऊपर आ गया है, और जो मक्की के वो आता है ना उसको सेरा बोलते हैं। तो गुग्गा और सेरा लग गया है मक्की में। तो आज हमारा ना कई दिनों के बाद आना हुआ खेत में, तो इस तरह से पहली बार देखे मैंने केड़े पकते हुए पेड़ पे। और बाप रे, तो पक गए ना पूरी तरह, और खा भी रहा था इन्हें कुछ, है ना, चूहा ही होगा शायद। देखो तो इस तरह से पक गए हैं पेड़ पे, पहली बार देखे मैंने। ऐसे तो हम ले जाते थे इनको हरे हरे निकाल के और फिर पकने के लिए डालते थे अपने तरीके से, जो गांव का तरीका होता है ना केले पकाने का। लेकिन ये तो पहली बार देखे भाई मैंने। और वो है केले का बुट्टा वहाँ पे, देखो ये ना पता नहीं क्यों गिर जाता है हर साल, या तो इसके नीचे मिट्टी नहीं होगी या कुछ कुछ ना कुछ कोई तो कोई प्रॉब्लम होगी। पहले भी मैंने वीडियो डाला था ना आपके साथ, शेयर किया था कि इस तरह के ना वो केले का बूटा ही गिर गया नीचे। लेकिन फिर इसको ये ले जाना ही भूल गया हम घर, वो ये आस्ते आस्ते ना इस तरह से पक गया है। अरे बाप रे, देखो किस तरह से, मैं दिखाई लेती हूँ, देखो देख किस तरह से पक गया है ये, तो मैंने पहली बार देखा हूँ। देखो तो हम सुबह 10 बजे आ गए थे घास लेने के लिए खेतों में, और मैंने काटे हैं गुम्बर वगैरह जो आसपास का घास होता है ना, बीड़ कुछियार का वो, और पंकू के पापा ने काटा है बाजरा। ममता बोल रही थी ना, ममता बोल रही थी ना, बोले आपकी मम्मी बोलती है वीडियो में पंकू का पापा, तो ममता का पापा कहाँ है। चलो बच्चे भी वीडियो देखते हैं ना, तो वो बोल रहे थे ऐसा कि पंकू के पापा बोलते हैं, तो ममता के पापा कहाँ है, ममता के पापा भी यही है पंकू के पापा भी है। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है ना उसका नाम जल्दी आता है, ममता का भी बोल देती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चे वीडियो देखते हैं उनको ढेर सारा प्यार, और बच्चे और बच्चों को ढेर सारा प्यार, और बुजुर्गों को और अपने से बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, सभी मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चे वीडियो देखते हैं लाइक करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो भगवान करे आप खूब तरक्की करें और खूब आगे जाएं। ठीक है, तो वहाँ नीचे कीड़े ले आए हैं, एक तसले में उन कीड़े को डालेंगे और एक तसले में मैं आज जो हमारी नई फसल तैयार होगी है उसको तोड़ूंगी, वो भी मैं बताऊँगी कि नई फसल कौन सी तैयार होगी है जिसको हम आज फर्स्ट बार तोड़ने के लिए जा रहे हैं, पहली बार तोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे तो कईयों को पता है जो डेली व्लॉग देखते हैं ना, उनको पता है कि नई फसल कौन सी तैयार होगी है हमारे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बैक कैमरा करती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था ना कि यहाँ पर हमारे जो कीड़े का बुट्टा है वो गिर गया है नीचे, तो जो छोटे छोटे कीड़े थे वो तो तभी पक गए थे, उनको मैं ले गई थी, और ये थोड़े थोड़े नहीं, ये हरे थे बिल्कुल। ठीक है, तो इसको मैंने रहने दिया, फिर सोचते रहे भी आज नहीं आएंगे कल नहीं आएंगे, फिर बीच में याद भूल गई। और जब आज कई दिनों के बाद इनको देखना हुआ, आते तो रोज़ हम घास को, लेकिन इन कीड़े कौन देखते थे। तो आज जब ये इतने पक कर पीड़े हो गए ना, तब जाकर इन पर नज़र पड़ी। तो देखो पहली बार देखे मैंने, और स्वाद देखो ना इनका, हे भगवान, चीनी से भी मीठा स्वाद है। और थोड़े से हमने एक मैंने खा लिया, दो हस्बैंड जी ने खा लिया है ना, दो खाए ना आपने,
दो कीड़े हमने खा लिए यहाँ पे, और ये ले जाएंगे घर घर को। और हमारे ना यहाँ बांधते हैं जो भी फल लगता है अपने खेतों में या अपने पेड़ पौधों में, उनको बांधते हैं, ठीक है। ये गांव में है ये परंपरा, और जगह का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा ही करते हैं। तो ये छिलके हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी पहला फल लगता है, कोई भी फल, कैसा भी फल लगे, उसको बांटा जाता है, और फिर ज़्यादा हो तो उसको बेच देते हैं, अगर नहीं हो तो इस तरह से बांट कर ही खा लेते हैं। तो ये बाजरे का खेत है जो हमने बाद में बीजा था, ये भी मैंने वीडियो शेयर की है आपके साथ कि हमने ना ये 22-23 दिन बाद में बीजा था ये वाला बाजरा। तो इस तरफ का काट दिया, इस तरफ दूसरी बार आ गया है, और इसको अभी पहली बार काटा जा रहा है। तो हवा तूफान बारिश की वजह से ना इस तरह से पूरा गिर गया है नीचे, तो इसको काटा जा रहा है जल्दी जल्दी से। और देखना चूहे ने क्या हाल कर देते, बहुत बुरा हाल कर देते खेतों में। देखो क्या इस तरह से की मिट्टी निकाल दी है नीचे से, और ये देखो क्या हाल हो गया, बहुत बुरे हाल हो गए ना। ये होता है जब हवा बारिश लगती है साथ में, तब अगर सीधी बारिश हो ना तब नहीं गिरता इतना बाजरा। और हम जा रहे हैं उस खेत में जहाँ फल पहली फसल तोड़ने के लिए, उस खेत में जा रहे हैं। तो ये वाली घास ना, ये भी बहुत जल्दी चलती है, ये वाली इसको लगा कर करते हैं जगह जगह पे, मैंने तो बहुत ज़्यादा लगा रखा है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम अपने खेतों में, और हमारी जो पहली फसल है वो तोड़ने लायक हो गई है। इस तरह से मिर्ची तैयार हो गई है, तो इसको ना हरे को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मिर्ची पकती नहीं है, और अगर पक भी जाए तो वो ख़राब होती है, वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है। तो इसको हरे को ही निकाल देंगे, और निकाल कर फिर ना पहली फसल है इसको, जिनके है नहीं उनको दे देंगे, बांटते हैं। मतलब जो भी फसल पहली फसल होती है ना, इसको पिपड़ी मिर्ची अभी बांटते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत दे देंगे जिनके है नहीं, ऐसे तो सभी लगा रखते हैं, तो इनको बेचेंगे, ठीक है। ये बेचने लायक होगी, ये पहली फसल है, और आजकल क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो चलो हम तोड़ लेते हैं पहले इस तरह से, ये देखो डंडी भी साथ में निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। जो बड़ी बड़ी है निकालने लायक है, जो छोटी छोटी है ना वो आगे को हो जाएगी निकालने के लिए, ये देखो इस तरह से। तो अब निकाल ही लेते हैं फटाफट से, है ना। ये देखो, ये देखो। तो मिर्ची हमने निकाल दी है बड़ी बड़े वाली, और आधे थोड़ी सी रह गई निकालने को, बाकी हमने निकाल दी है। देखो एक तसला हो गया, ठीक है। 3-4 किलो मांग रखी थी ना, देखो कितनी बड़ी बड़ी है, ठीक है। देखो जब इस तरह से मेहनत रंग लाती है ना, तो फिर मन बोलता है मेहनत करने को। कई बार पता क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम, और फिर रिजल्ट उसका जीरो। तो यहाँ 3-4 4-5 खालियाँ रह गई हमारे पास तोड़ने को, और बाकी हमने तोड़ दिए। और 3-4 किलो मांगे थे, 3-4 जितनी भी, मतलब 3-4 KG भेजना। तो यहाँ से इस साइड को बच गई है, और ना पकड़ना भी होगी सूर्य वहाँ पे, देखो लाल लाल जैसे, ठीक है। तो चलो श्रीमान जी उठा रहे तसला, अब देखना वीडियो देखने आ बोलते हैं श्रीमान से करवाते हैं भाई, काम खुद बनाते वीडियो भाई, मैं वीडियो भी बनाती हूँ और साथ में काम भी करती हूँ। मैं भी जा रही हूँ, पर श्रीमान जी ने उठाया है तसला, और हमने ना ऊपर वो कीड़े वगैरह भी रखे हैं, उनको भी ले जाएंगे घर, और घास भी ले जाएंगे इस तरह से। तो सोचा चलो घास लेने तो आए ही थे, साथ साथ में ना मिर्ची भी निकाल लेते हैं, और ठीक है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो देवभूमि हिमाचल।